बंटी और बबली की टीम हमारे साथ कल से मौजूद है, तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच एक बार फिर से सबका स्वागत करते हैं मिस्टर सैफ अली खान, रानी मुखर्जी। रानी मैम, ट्रेलर में आप पंजाबी भी बोल रही हैं बीच में, वैसे आप बंगाली हैं जी, हस्बैंड आपके पंजाबी हैं आदित्य चोपड़ा साहब, तो आप वो और मेरी जो बच्चे हैं उनमें मिक्स है खून, सरदारों वाला और बंगालू वाला। अच्छा, सरदार बंगाल का अच्छा कॉम्बिनेशन। वो कंफ्यूज नहीं होती बच्ची कभी कभी कि जोल खाबो के पानी पीबो? वो हमें कंफ्यूजा कर देती है। हाँ, एक है हम पर राज कर रही है अभी, इसलिए मैं तो चाह रही हूँ कि एक और आए तो उसका राज थोड़ा कम हो। बहुत जल्द आप पे भगवान की कृपा होने वाली है। अच्छा, फिल्म में आप बोल रहे हैं ना, जब आप बंधे हुए हैं ट्रेलर में, तो आप बोल रहे हैं कि तुम गैस चलती छोड़ा है, ये छोड़ा जी, है। जी, जी। वैसे आप दोनों में से देखो, हमें क्रिएटिविटी हमारी जो होती है। देखो आप हम कैसी डिटेल में घुस रहे हैं। क्या बात है कपिल, वाह, वो जो भूलने वाली बात है, वाह 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 कपिल। अब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप दोनों सच्ची में आप बड़े क्यूट हो, यू नो, रियली यार। मैं ना वेरी नाइस, मैं इनके सामने एक्चुअली घबरा जाता हूँ, क्योंकि ये कब कहाँ से कौन सी बात निकाल के सामने मारे ना, पता नहीं चलता। वैसे आप भूलती हो रियल लाइफ में चीजें रानी? बहुत ज्यादा भूलती हूँ मैं, जैसे कि चश्मे मेरे यहाँ पे रहेंगे और मैं पूछ रही हूँ अरे मेरे चश्मे कहाँ हैं, ये बहुत बार होता, बहुत बार होता है लोगों के साथ। बहुत बार, कभी कभार तो मैं ब्रश करना भी भूल जाती हूँ सुबह। हाँ, याद नहीं रहता कि मैंने आज ब्रश किया था सुबह। सच बोल रही हूँ मैं, और फिर ऐसे लगता है कि अरे आज किया है सर, आज मुझे पता है बहुत करीब आना था आपके आम तुम के लिए, तो आज तो मैंने याद करके सुबह उठ के ही ब्रश कर लिया था। नहीं, पर कभी कभी ऐसे होता है तो मैं फॉर सेफ्टी रीजन एक बार और ब्रश कर लेती हूँ। बहुत अच्छी बात है। कभी कभी वाकई में ऐसा लगा था आदमी कान पे लगाया होता फोन, अरे मेरा मोबाइल देखा किसी ने, अरे मोबाइल, अरे ऐसे होता है, मेरे साथ हुआ है, मेरा फोन का है, मेरे सवाल थोड़े ऐसे रहते हैं, आपको पता है हम हमेशा देखते हैं कि सैफ साहब, सैफ अली खान साहब, नवाब साहब, नवाब कहाँ के? नहीं, बिल्कुल कभी आपको कभी ऐसा कभी आपको हुआ है कि करीना ने आपको बोला और रात के 2-3 बजे कि एकदम से बेबी उठ के रोने लग गया कि सैफ तुम देखो तुम्हारा भी पार्टनरशिप उतना है, और आप उठ के बेबी को चुप कराते? नहीं, मैं पहली बार गया था, मतलब फर्स्ट बेबी, अभी सेकंड बेबी मैं बोलता हूँ अभी आपकी बारी है। अच्छा, पहली बार मैं अपनी पूरी ड्यूटी निभाई। मैं तो वैसे ही थोड़ा लेट सोता हूँ। अच्छा। तो रात की ड्यूटी अक्सर मेरी रहती है। एक और बात जो हमारे जहन में आती है कि आप फिल्मों में काम करते हैं, प्रोड्यूसर भी हैं अब दोनों आप, लेकिन जब आप ऐसे कोई करेक्टर करते हैं आम ग्रहणी वाले, ये जो खुद मैंने तो बहुत किया आम, आई एम द मैंगो पीपल, इसलिए मैं आज मैंगो का कलर पहन के ऑब्वियसली सोसाइटी में आसपास के लोगों को देखते हैं, आप कहाँ से ऑब्जर्व करते हैं सर ये बंदा ऐसा करेगा मैं ऐसा? अलग अलग जगह, हमेशा आई थिंक एक्टर्स को अवेयर रहना चाहिए, कहीं से भी कुछ आइडिया आ जाए, प्रेरणा मिल जाए कहीं से। एक्चुअली हम एक्टर रहते हैं लेकिन हमारे आसपास के लोग तो नॉर्मल ही है ना, राइट? तो सब लोग देखते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं ना, ये कहीं ना कहीं मुझे काम आएगा। नहीं, एक्चुअली यहाँ पर ही नहीं, जैसे हम लोग ट्रैवल करते हैं, मैं तो ऑब्जर्व करती हूँ हमेशा। मेरे जो पतिदेव है उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मुझसे कि जब मैं बाहर जाती हूँ और मैं किसी को ऑब्जर्व करती हूँ या स्टेयर, हम बोलते हैं ना, वी आर स्टेयरिंग, तो उनको बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, बोलते आप क्यों घूर क्यों रहे, तो मैं उनको बोलती हूँ ये मेरा काम है। जैसे आप डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, मैं एक्टर हूं, मुझे तो घूरना पड़ेगा ही, तो मैं उनको बोलती हूं और वो बोलते बड़ा रूड है आप कैसे किसी को ऐसे घूरते। मैं उनको समझाती हूं कि एज एन एक्टर आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम रियल लाइफ। तो बिना घूर के ऑब्जर्व कर सकते हैं? नहीं, वो एक, मैंने सुना एक फीमेल खासियत होती है। कैसे? बिना, बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं बिना घूरे? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे घूरती हूं, मतलब मेरी बीवी तो बोलती है मैंने ये देखा, बोले कब देखा तुमने, यू नो, आंखें यहां रहती है कभी। सैफ सर, ये बात आपने बड़ी पते की और बड़ी बारीक ऑब्जर्वेशन है, आपकी वाइफ इस तरफ चल रही है ना और इधर से कोई निकली और हमने इस आंख से देखा है, उनको इधर से पता नहीं कैसे पता चल जाता है। एक दिन मैं और मेरी वाइफ उसे लोखंडवाला की बैक रोड पे जा रहे थे और मैं फ्रंट सीट पे बैठा हुआ था, इधर ड्राइवर और गिन्नी पीछे बैठी हुई थी, तो मैं अपने मस्ती में हेडफोन लगाया कुछ सुन रहा था, गिन्नी कहती इस तरफ देखो, तो मैंने देखा तो एक लड़की भाग के जॉगिंग कर रही थी, मैंने कहा अच्छी थी वो,
मैंने कहा क्यों क्या हुआ, कहती नहीं मैंने कहा तुम्हारी मिस ना हो जाए। अरे मैं क्या यार मैं वेरी स्वीट ऑफ हर, बड़ी स्वीट है आपकी बेबी। अब पता नहीं व्हाट दिस, आई वुड नॉट नीड टू डू इट, ही वुड डू इट एनी व्हिच वे। आई थिंक खूबसूरती को निहारना चाहिए। आई थिंक जो खूबसूरत चीज होती है हमें बोलना चाहिए कि आप खूबसूरत। ये मैं चाह रहा था कि कोई आके बोले, हमेशा ये मुझ पे इल्जाम लगाती रहती हैं। और बाद में थोड़ी मार भी खा लो चलेगा। नहीं बट आप अगर अगर आप मतलब प्रेस कर लो कि अच्छा ये बहुत खूबसूरत है, उसमें कोई गलत बात नहीं। खूबसूरती को प्रेस करना तो क्या हुआ अपनी बीवी के सामने? व्हाई नॉट, आई डोंट थिंक सो। अच्छा आई डोंट हैव अ चॉइस, आई डोंट हैव अ चॉइस। वेरी बैड, कौन सी औरत, कोई है ही नहीं। एक्सक्यूज मी, यस ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। अरे मैं कहां फंस गया यार। तो अब फिर वापस घूम के जैसे आप मुझे देखते हो ना, मतलब निहारते हो मुझे। जी जी हम सब निहारते हैं। रानी ही इज नॉट फ्लर्टिंग विद यू, बहुत डरा बैठा है आज। ये कंप्लीटली डिफरेंट कपिल है आज यहाँ पर, वरना कपिल तो शांत नहीं बैठता। तुमने कॉम्प्लीमेंट इसे दिया और इसने वापस फ्लर्ट नहीं किया, आज कमाल हो गया। देखिए कमाल नहीं हुआ, मैं ब्लड चेक कराया था, मेरा B12 कम हो गया था, उस वजह से मेरा फ्लड निकल नहीं रहा पूरा। पर हम आपको बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू। अब आप दो बच्चों का बाप किस तरीके से ब्लड करे, अब हम यही कह सकते हैं। पर जब आपकी गुलाम फिल्म आई थी ना जी, तो मैंने मेरी क्लास की लड़कियों से बात करनी बंद कर दी थी कॉलेज में। मैंने कहा अरे वो देखो उधर तुम, मैं क्या, मैं क्या दो चोटियां करके तेल लगा के आ जाती है बालों में रानी में गलती करते। मेरे आंखों में आंसू आ गए, इतना प्यार। अच्छा मैम, हमारे जो दर्शक हैं, इन लोगों की कंप्लेंट थी आज जब आपके आने से पहले, कहते आप आती हैं, आप एक्ट्रेसेस से हीरोइन से खुद ही बातें करते रहते हो, हमारी कभी बात नहीं कराते। हाँ। तो आज मैं आपको खुला मौका देता हूं, जो आपका मन करे आप पूछ सकते हैं। जी वो भाई साहब मैं आता, कैसे आप? आज हम इधर ही बैठ के बातें करेंगे, क्या हाल है जी, कैसे आप? आप बैठिए, आप भी बैठ दो, कोई नहीं। और सुनाओ क्या पूछना चाहते हो आप रानी मुखर्जी से? सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल जी। मैम मैं एक्चुअली अहमदाबाद गुजरात से आया हूँ। एक्चुअली रानी मैम की तो हम लोगों ने बचपन से ही मूवी देखी, हम स्कूल टाइम से बचपन से देखी। मैं आपसे बताऊंगा क्योंकि कुछ कुछ होता है आपकी मूवी थी, उसमें आपका जो रोल था टीना, मैम वो भी मैंने बहुत बार देखी है। तो बहुत बार क्यों देखते हो आप, एक बार में समझ नहीं आती क्या क्या? सर उसमें इन्होंने एक्चुअली पंजाबी रोल किया था ना, तो इनका जो एक रोल था वही बहुत मोटिवेशनल था जी। और जब आपकी कुछ कुछ होता है मैम, हम स्कूल में पढ़ते थे तो आप टीना, राहुल, अंजलि और जो मैम थी मिस बिगेंजा, तो वो आज एक सपना पूरा हो गया मैम आपको यहाँ देख के, और जस्ट बिकॉज ऑफ कपिल शर्मा के शो की वजह से मैम। धन्यवाद। तो आपने कुछ पूछना नहीं था उनसे? सर देख लिया वही बहुत है, पूछना तो सर। अच्छा कपिल जी, मैं उनसे एक सवाल करना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज। ये जो आप बोल रहे हैं आपने बचपन से मुझे देखा है, मैं भी बच्ची थी जब मैंने कुछ कुछ होता है किया था। आई नो मैम, पर हम एक्चुअली मैम उस समय स्कूल टाइम में थे ना, तो हम लोगों को हमेशा मैं भी स्कूल के बाद ही मैंने किया था। तो आप अगर बार बार फेल होते जाओ तो उनका क्या कसूर है? अच्छा लेकिन तब से जो टीना में बनी अब तक ठीक ही हूँ ना, मतलब सेम ही लग तो रही हो ना? सेम मैम, सेम, कोई डिफरेंस नहीं मैम, कोई डिफरेंस। सर आप पास बैठे मतलब नर्वस नहीं? अरे नहीं नहीं नर्वस, मैं कपड़े उतार के बैठा हूँ। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये आपका माइक आप इनको दे सकते हैं? श्योर। क्या बात है, सो स्वीट। आपकी मूछों का स्टाइल मुझे बड़ा अच्छा लगा, विरार के डॉन लग रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? अरुण। अरुण, अरुण जी कहाँ से आए आप? मीरा रोड से। मीरा रोड से आए, विरार के पास ही है मतलब रास्ते में पड़ता है। तो क्या करते हैं आप? सर हम ऑटोमोबाइल की शॉप है। अच्छा जी, आज बंद है? आज चालू है। आज चालू है, तो कौन बैठा है उधर? मैनेजर वर्कर से। रानी मुखर्जी के चक्कर में दुकान छोड़ के आ गए ये, तो उनकी तो दुकान ठीक चल रही, फिल्में चल रही, आप अपनी दुकान इसके भरोसे छोड़ के आ गए। आप कुछ आप पूछना चाहेंगे रानी जी से? मैम की पिक्चर हमने देखी थी
कॉलेज लाइफ में था तो मैंने देखी थी पिक्चर. अच्छा. He is also in college. मुझे लगा आप अभी भी कॉलेज में हैं. आपकी मूंछों का स्टाइल मुझे बड़ा अच्छा लगा एक्चुअली. ऐसा लगा कुमार शानू धूप में बैठे रहे काफी देर तक. पर बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी. आज आपके इतने सारे फैंस हैं, आपसे बात करना चाहते हैं. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इधर किसने बिठाया आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच. सेकंड ऑफ ऑल सर, आप तो बोलते ही बंद कर दे हमारे. अरे नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हैं भाई आप. अपना नाम क्या बताया आपने? मेरा नाम गणेश है, मैं पुणे से आया हूँ. और बहुत दिन का एक सपना था कि कपिल सर के शो में जाना है. शादी हुई आपकी? जी जी जी. बच्चे भी हैं? 3 साल हो गए सर शादी को, खाली नहीं है अभी. बच्चे अभी नहीं है तो ऐसे लोगों की शूटिंग देखते रहोगे तो कहाँ से होंगे? बस अब गणेश आप पे जिम्मेदारी है अभी पूना वापस जाके सबको बंटी बबली 2 के लिए लेके जाने का. मैम मैंने पूरी फिल्म आपकी देखी है, पहले जो आई थी बंटी और बबली. सारे पूरी देखते हैं. सर मैंने भी पूरी देखी है 2 बार. अच्छा जी. हाँ. और आम्ही मी निश्चित संपूर्ण पुणेकरांच्या वतीनं तुम्हाला वचन देतो की नक्की आम्ही 19 तारखेला जाऊन बंटी आणि बबली दोन्ही संपूर्ण टीम बघू. धन्यवाद. थँक यू. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सर. थैंक्स अ लॉट. और कोई? अरे नहीं मेरे भाई, और कोई रानी जी से बात करना? जी भाई साहब, यहाँ से मैं अपना शो पहली बार देख रहा हूँ आज. वाओ. जी भाई साहब, मैं आपके स्वागत के लिए 40 साल पुरानी साल लेके आया हूँ. पुरानी शो वो भी इनकी शादी में इनकी सहेली ने दिया था. इनकी शादी में? तो आप क्यों उनका शॉल दे रहे हैं? आप उनके क्या लगते हैं? मैं उनका पति लगता हूँ. तो बोल रहे इनकी शादी में दिया था तो आपकी शादी बोलिए ना. आप बैठिए बैठिए. सर इसमें बैठना है ना? हैं इसमें बैठिए. ये आज बड़े सौभाग्य की बात है. आइए आप इधर आ जाइए. 40 साल से पत्नी के साथ बैठ बैठ के थक गए होंगे. आइए बैठिए. ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज ये ऐसा. आपकी एक ही वाइफ है? मेरा मतलब आपकी रियल वाइफ. राजा महाराजा नहीं है ना सर, एक ही रखते हैं. मर राजा महाराजा. राजा महाराजा. तो अगर आप राजा महाराजा होते तो हम भी प्रयास करते. ये चद्दर का फंदा बनाएंगे आप? सर एक और अच्छी बात करूं जी, कि आज जो बंटी और बबली 2 आ रही है जी, ये आज का जो शो है पूरे विश्व में चर्चित हो और खूब इनकी बंटी बबली फिल्म चले, मेरी शुभकामना है. और मैं आपका स्वागत सम्मान करता. अरे सर सर, आपका नाम इस दुनिया में इस जग में खूब चले और हर व्यक्ति के जवाब में आपका नाम हो और आपको शुभकामनाएं. धन्यवाद धन्यवाद. और मैं तो यही कहूंगा जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक आपका नाम रहेगा. अरे वाह क्या बात है. थैंक यू सर. थैंक यू. ये माइक आप घर ले जाओ, जो बोलना है बोलते रहना. कहाँ थी तुम इतने देर? एक बार रानी और सैफ अली खान के लिए जोरदार तालियां. तो दोस्तों बंटी और बबली 2 से हमारे बीच एक और जोड़ी मौजूद है. आप सबकी जोरदार तालियों के बीच उनको यहां बुलाते हैं. प्लीज वेलकम सिद्धांत चतुर्वेदी एंड शर्वरी वाघ. वेलकम वेलकम. जोरदार तालियां सिद्धांत और शर्वरी के लिए. तो दोस्तों अभी आप बड़े और बंटी और बबली से मिले तो ये है छोटे बंटी और बबली. सिद्धांत शर्वरी आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है. सिद्धांत जी, फिल्म में हमें पता है आपकी जोड़ी है पर शो में जरूरी नहीं है कि आप यहीं पे ही चिपक के बैठे. वो सोफा खाली पड़ा है वहां पे बैठे. हद है यार, मतलब पूरी फिल्म शूट कर ली अभी भी घुस रहे हैं पूरा. नहीं नहीं आप बैठ सकते हैं सर. वो एक फैमिली सी बन गई है ना फिल्म शूट करते करते, तो दूर रहना थोड़ा मुश्किल है. मुश्किल है. आह चतुर्वेदी साहब क्या बात कर रही है. सिद्धांत का मैं बहुत फैन हूँ, आपकी मैंने फिल्में देखी हैं, गली बॉय, इनसाइड एज. आपने इतना अच्छा काम किया. इतने अच्छे काम की जब तारीफ होती है तो नेशनल अवार्ड वाली फीलिंग आती ना कपिल शर्मा शो में आके. आई मीन यस
मैं आप लोगों को बता दूं, ये सारी जो फिल्में मैंने की हैं और इतना जो लाइफ में स्ट्रगल किया है, परिश्रम किया है, वो इस वजह से किया ताकि मैं यहाँ आ सकूं, इनके सामने बैठ सकूं। मैंने अच्छे से सिखा के लाई उसको। यार दुनिया भर ये शो देखती है मुझे, लंदन से, अमेरिका से फोन आते हैं और लोग बोलते हैं कि इतना फनी शो है, ये कॉमेडी करना कोई आसान बात थोड़ी है, लोगों को हंसाना। अब अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। नहीं, और सच में ये जो कपिल का शो है, इट्स द टीम। ये जो टीम वर्क आपकी होती है ना, जितने लोग हैं आपके शो में, मतलब उनके लिए। आपको पता है रानी मैम, जब सैफ सर पहली बार आए थे तो सैफ सर को पता नहीं था हमारे शो का। बोलते यार मैंने तुम्हारा शो कभी नहीं देखा, लेकिन मेरे बच्चों ने कहा है कि अब्बा आप प्लीज उनके शो में जाइए। हाँ, उन्होंने मुझे बोला था, मतलब उनके बड़े बच्चों ने बोला था। बड़े बच्चों ने वो भी स्पेसिफिक ना जी। सर मैं बता रही हूँ, जिस दिन हमारी ट्रेलर आई थी उसके बाद मुझे एक डीएम आया था, व्हेन आर यू गोइंग ऑन कपिल। हाय हाय, बताओ। ओए होए, क्या बात है। शर्वरी, आपका नाम मैंने ना पहले फरवरी के हिसाब से याद किया है, क्योंकि मैंने बड़ा प्यारा नाम है, यूनिक नेम है, मैंने कभी सुना नहीं। अच्छा, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं। कपिल, यू आर ग्रेट यार। मतलब मैं जनवरी के हिसाब से भी कर सकता था, पर मैं शर्वरी, वाओ, वेरी ब्यूटीफुल नेम। कैसा लग रहा है नवंबर के महीने में शर्वरी आप आ गई? सॉरी, अबे क्या, कैसा? मैंने तो स्वेटर पहना है, इन्होंने कुछ अच्छा, बट मैं तो हमेशा से हॉट हूँ तो मुझे तो गर्मी लगती है। नवंबर हो या दिसंबर, जनवरी हो या फरवरी, मैं तो हर सीजन में हॉट हूँ। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। शर्वरी, कैसा लग रहा है आपको सैफ सर और रानी जैसे दिग्गज कलाकारों के सामने एक इतने महान कलाकार को आप मिल रही? नहीं, एक्चुअली कभी सोचा नहीं था कि पहली पिक्चर इन लोगों के साथ करने को मिलेगी, तो बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। जितना हमें इनसे सीखने मिला है वो शायद हम बहुत सारी फिल्मों में ना सीख पाते, बट हाँ, सिड और मेरे लिए, दोनों के लिए बहुत बहुत बड़ा दिन है 19। ये भी हम लोग ने उनको मैं पूछ रहा था कि आप दिल से बोल रही हैं, ठीक से बोला बेटा, गुड गुड। पर मैं आपको एक बात बोलूं, जब मैंने गली बॉय में आपको देखा और उसके बाद बंटी और बबली के ट्रेलर में देखा, फिर मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि यार ये वही लड़का है जिसने इनसाइड एज में वो बॉलर का रोल किया था, इतना कमाल किया था आपने। ओए यार, उसके बाद तो मैं भूल ही गया। हाँ, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन गली बॉय में, एकदम थोड़ा बॉडी बॉडी बना के आ गया और उसमें एकदम दुबला पतला, क्या बात है ब्रो, बड़ा अच्छा काम किया आपने। और आपको पता, रानी मैम बहुत मेहनती है सिद्धांत, इसने जब इनसाइड एज किया ना तो इसने क्रिकेट की ट्रेनिंग ली, गली बॉय में रैप की ट्रेनिंग ली, और मैंने तो सुना है बंटी और बबली से पहले जेबें भी काटता रहा। Is it true? मैंने देखा बंटी और बबली के लिए गेटअप्स आपने इतने चेंज किए हैं, हम कभी कभी पहचान नहीं पाते यार, इतने मजेदार लग रहे हैं आपके करेक्टर। कितने टोटल आपने किए हैं इसमें गेटअप्स? सर कुछ पांच किए हैं, पांच। वाओ, और पांचों ही अलग अलग है, अलग कमाल के लग रहे हैं आप। शर्वरी, वैसे तो मुंबई में लाइट जाती नहीं है, पर आपके कभी जाती होगी तो आप कैंडल तो नहीं जलाती होंगी, आप खुद ही बड़ी चमकती हैं। रानी, so sweet. Are you noticing the difference? Yeah. शर्वरी, तुम इतनी रेडिएंट हो, यार एक रिस्पेक्ट होती है, ये होती है ना जो अंबाले वाली भुआ नहीं होती जो आपके फैमिली में दरार डालती है, ये वो है ये। नहीं, एक्चुअली अंबाली वाली बुआ। आपने दोनों चीजें पहली बार सुनी ना, अंबाला भी बुआ भी। नहीं, बुआ सुनी है। सॉरी मैम, आप कुछ बोल रही थी? नहीं, मैं यही बोल रही थी कि अच्छा है, मतलब इट्स वेरी सो स्वीट ऑफ यू। या सो स्वीट, यू स्वीट गाय। मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप टॉन्ट कर रही हैं, क्या कर रही हैं? सो स्वीट ऑफ यू मैम, जब चार पांच बार सो स्वीट बोलती है, इट डज नॉट मीन सो स्वीट। मेरा अगला क्वेश्चन भी ना वैसा टाइप ही था, उसके बाद आप फिर ना कहीं बोल दें। व्हाट टाइप डार्लिंग? मतलब ये कौन से टाइप का क्वेश्चन आने वाला है हमारे लिए और क्या इनकी तरफ? बहन जी ने कहीं बोला था। अब मैं क्या करूं यार, मतलब ये मत करो। अब देख लो, अब मैं फंस गया हूं, मैं बुआ जी फंसा दिया आपने। एक्चुअली बुआ जी फंसाने के लिए बैठी है वहां पर, इन्होंने परमीत को भी फंसाया है।
नहीं ना, नहीं ना, he is there, he has been there जब courtship हो रही थी मेरी परमीत के साथ। मैंने नहीं जानता आपको, lovely couple you are. For me she is always Mrs. Braganza. Oh, Mrs. Braganza. And you are the Tina who changed quite the face of Indian cinema for so many years. Thank you. एक्चुअली वो ना पोस्टर वाला दौर चला गया, जो पोस्टर लगते थे ना, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, सैफ सर जब नए नए फिल्मों में आए थे ना, इनके लंबे लंबे बाल होते थे ना, तू मेरे दिल में रहे। तो मैं फिर ये वाला क्या ना, ओले ओले सर, मेरे को आपके स्टेप तक याद है। आप ये तो नहीं बोल सकते ना ये स्क्रिप्टेड नहीं है, आपके पोस्टर दिव्या भारती जी के और रानी जी आपके पोस्टर, अब पोस्टर वाला दौर चला गया। आपको पता है अभी दिवाली निकल के गई है, अब पता नहीं होता नहीं होता, फुलझड़ी का जो डिब्बा होता था ना उसके ऊपर आपकी फोटो लगी रहती थी, ऐसे तो ऐसे लगता था रानी मुखर्जी खुद निकलेंगी डिब्बे में से और ये फुलझड़ी चलाएंगी। आपकी भी फोटो लगी थी पता है दिवाली पे, मैंने देखा बड़ी सारी फोटो, अरे बड़ी सारी फोटो लगी हुई थी और उसके नीचे लिखा था मिलावटी चीजों से बचे। पर मेरा सवाल ये था जो मैं पूछ नहीं पा रहा हूँ अभी रानी जी की वजह से, पूछो। इन्होंने कहीं कहा था कि मुझे वो लड़के बड़े अच्छे लगते हैं जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है, ओए ओए। पर अगर उन लड़कों की शादी हो गई हो फिर भी अच्छे लगते हैं आपको? अब आपने तो मुझे बोल दिया बहन जी, तो भाई साहब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे लोग। देखिए वो शब्द इस्तेमाल करते हो, मेरे ऊपर सामाजिक दबाव था और मैंने दिल से नहीं बोला वो। So sweet, और so बच्चे बच्चे ये so बोलती रहती है, मैं बच्चे तो इतने इतने से उनको क्या पता चलता है पापा का क्या। अरे पर गिन्नी को तो पता चल रहा होगा ना, है? गिन्नी वो तो... उनको संभालने में इतनी बिजी है, वो भूल भुलैया में मत रहिए। हम लोग बच्चे संभालने के साथ साथ आंखें और सब कुछ कान वान सब हर जगह रहती है। या फिल्म प्रमोट करने आई मेरी बीवी को ट्रेन करने आई आप? हाँ, बिना घूर के। हाँ, देखा? हमारी जो एंटेना है ना, वैसे खड़ी रहती है अभी। एक्चुअली ना वाइफ जब वैसे ही पूछ लेना, हम भले शूटिंग से जा रहे हैं वैसे ही पूछ लेना कहाँ से आ रहे हो, तो आदमी एक सेकंड के लिए तो सोचता है कि मैं कहीं गया तो नहीं था, तो वैसे डर रहता है। सिद्धांत एक बात बताओ, गली बॉय में जो आपने इतने रैप वैप किए, अभी आपको उनमें से कुछ याद है? सर कुछ कर सकते हैं प्लीज यार, मजा आ जाएगा। बहुत मजेदार था। Well done, man. Very good. Well done. ये होती है मेहनत। देखो गली बॉय का आए हुए कितना समय हो गया, लेकिन बंदा यार मेहनत करके आया। Super bro, so proud of you. But Siddhant तो Instagram पर भी तुम्हारे रैप मैंने देखे हैं, है ना? जी जी, एक्चुअली मैम मैं रैप करता नहीं था, तो जब ये फिल्म मिली जोया मैम ने कहा कि एक रैपर का है, मैंने बोला ये कैसे होगा, तो मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे और मैंने बोला यार ये तो पकड़ में आने वाला नहीं है, काम करो आप खुद ही लिखना शुरू कर दो, क्योंकि आप जो लिखोगे अपनी जर्नी के बारे में, राइट, अपनी कहानी के बारे में, वो शायद याद रह जाएगा। तो मैम उस तरह से मैंने ये स्किल जो है गली बॉय से एक्वायर की, अब थोड़ा बहुत रैप कर लेता हूँ। पर जैसे ही आपका ये टैलेंट है कि आपने गली बॉय में रैप जो है वो सीखना शुरू किया और अपने खुद लिखा, हम ये तो नहीं उम्मीद कर सकते कि बंटी और बबली के बाद आप डाके मारना शुरू कर देंगे। वो छोड़ देना बस, मतलब दिलों पे तो डाका मारना है। आए, 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 वो मार चुके ऑलरेडी। जितना मर्जी कर लो चंदू चंदू, मैंने सब एडिट में कटवाना है, यहाँ से शुरू होगा। चंदू 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 चंदू, वाह वाह वाह, इतनी मुश्किल से कैमरा मिला, मुंह दिखा, क्या बैक क्या दिखा रहा है यार। बंटी पब्लिक 2 की टीम आई हुई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। सैफ सर नमस्कार, नमस्कार रानी मैम, नमस्कार सिद्धांत सर, नमस्कार शर्वरी। वेल डन, मैंने इसलिए आपका नाम लिया, मेरे को ऐसे लग रहा था मैं जानबूझ के आपका नाम गलत बोल रहा हूँ। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी पिक्चर के लिए। यार मेरा भी इंट्रोडक्शन करवाओ। ये है, ये भी है, मतलब मुझे आपका नाम पता है, चंदू चंदू, बस चंदू।
ये क्या इंट्रोडक्शन हुआ यार चंदू, ये चंदू एक्चुअली आज आप बंटी बनकर आए हैं राकेश। थैंक यू मैम। यार थोड़ा खुल के इंट्रोडक्शन करो कपूर शर्मा, आ जा इधर। सर ये चंदू है। हाँ जी। इसके दो पैर हैं, दो हाथ हैं और एक मुंह है जो 5 मिनट बाद आपका देखने को दिल भी नहीं करेगा। ही इज देयर। इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक यूनिवर्स। कपूर शर्मा यार मैंने तुम्हें तारीफ करने को कहा, तुम तो गुस्सा कर गए हो। ये बातें तुम मुझे बाहर भी कह सकते थे। बाहर कहता ही हूं मैं। मैंने पहली बार तो नहीं कही। खैर रानी मैम, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आपकी फिल्म आई थी ना राजा की आगी बरात, मैं 5 बार देखने के लिए गया था। पूरी बात बता क्यों गया था। इसको सीरियस लगा था कि किसी राजा की बरात आने वाली, वो पैसे लुटाएंगे और मैं लुटूंगा। ज्यादा फालतू बात नहीं करनी। एक ट्रू फैन। इसको बंद कर, तेरा क्लीवेज दिख रहा है। देखो मेरी बात सुनो, मेरे को तुम ऐसे मत करो यार। मैं तो ये मैं फैन उनका, इसलिए मैं इधर आया हूँ। हाँ। यार देखो मैं कितना अच्छा बन के आया हूँ। तुम्हें लग रहा है। यार मैं बन ठन के आया हूँ कपूर शर्मा। देखो मेरे बनना तो ठीक है, ठंडना क्या होता है? ठंडना मतलब अच्छी पूरी पर्सनैलिटी निकाल के। एक मिनट रुको यार, आज तुम अच्छे लग रहे हो। मैं तुम्हें सोफे बिठा सकता हूँ। तुम रुको यार, ये क्या है? मैं बताता हूँ तुम्हें, नजर का टीका। हाँ जी, हैंडसम जो एक्टर होते हैं ना उनको नजर लग जाती है। खैर छोड़िए इन बातों को सर, मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। सर ये 10 स्टार स्पेशल जनरल स्टोर है ना, इसका मैं स्पेशल और इकलौता मालिक हूँ। जोरदार तालियां मेरे लिए। मुझे तुमसे एक बात बोलनी थी ब्रो। हाँ जी। स्पेशल मालिक हूँ मैं, स्पेशल। स्पेशल तो ये बहुत है। आपको पता है बच्चा जब पैदा होता है तो उसका नामकरण होता है ना, सबके होते हैं। ये जब पैदा हुआ ना, हाँ, इसके मम्मी पापा ने जादूगर बुलाया। अच्छा। कहते जैसे आप कपड़ा डाल के कबूतर गायब करते हो, इसको करो। और तो हमको नहीं चाहिए ये। और सर जब ये पैदा हुआ, इसके मम्मी पापा भूख हड़ताल पे बैठ गए, कहते हमें ये नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। प्लीज मेरे को बात करने दे। हाँ रानी मैम जी, आदित्य सर कैरम बहुत अच्छा खेलते हैं, प्लीज उनको बोलिए थोड़ा सा मेरे को सिखा दें वो कैरम। तुझे कैसे पता वो अच्छा कैरम खेलते हैं? यार अच्छा कैरम खेलते हैं, तभी तो रानी निकाल ली उन्होंने। वाओ वाओ, ये जो वर्ड प्ले किया ना, एक्चुअली करीब हो ही सकता है जिसने बचपन से आज तक सिर्फ लूडो ही खेली हो और कैरम ही खेला हो। तो करने क्या है इधर? रानी लूडो में नहीं होती, कैरम में होती है। तो मैंने कैरम भी बोला, आगे तुमने सुना नहीं। बंटी बबली 2 तो आ रही है, लेकिन इसके बाद जब बंटी बबली 3 आएगी तो उसके लिए मैं रोल मांगने के लिए आया हूँ। सर मैं वैसे ले ले सर, अच्छा खासा चोर लगता है। इसका ये बड़ा फायदा है, ये आगे की चीजें पहले प्लान करके रखता कि 3 आएगी फिर मेरे को ले लो। हाँ तो मेरा डेट्स वेट्स का इशू हो जाता है ना बाद में। शेड्यूल बिजी है ना मेरा। जैसे सर मैम वो 83 मूवी आ रही है ना वर्ल्ड कप पे जो है, उसका भी थोड़ा पैचवर्क मेरा बाकी पड़ा हुआ है। क्या पैचवर्क बाकी है? और रणवीर सर ने पानी मांगा था, अभी तक मैंने दिया नहीं उनको। सुन मेरी बात, बंटी और बबली 3 तो मुझे पता नहीं कब आ रही है, अभी आधे घंटे में एक ट्रेन आ रही है। तो मैं आपके तो खुद समझदार है, नीचे आ जाऊं? मैं ऐसी बात कभी नहीं चाहूंगा। मैं चाहता हूं तू आगे आए इंजन के। यार बात कर, बंटी बनने आ गया, तेरी बबली कहां है? मेरी बबली ऐसे थोड़ी है, बबली की एंट्री हमेशा ग्रैंड होती है। क्यों रानी मैम? एब्सोल्युटली। सो पेश है मिस बूरी। ओ हेलो बबली। हाय यस। ये क्या बन के घूम रही हो? हीरोइन, मैं बबली बनी हूँ। हेलो 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 हेलो, मैं माइसेल्फ भूरी बनी हूँ बबली। ओहो, तुम चाहे भूरी हो चाहे हरी हो, उनको कोई लेना देना नहीं है। सोच कैसे लेते हो हीरोइन बनो की? तुम क्यों? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे बाकी बातें वो सोच के कर रही है। और बाय द वे मैं तुम्हें बताऊं, उसने नहीं सोचा, ये सारा क्रिएटिव मैंने लॉक किया है। कि बंटी बबली हम बनेंगे।
Exactly. रानी मैम, जैसे आपने बंटी और बबली में इन्हें चांस दिया है, वैसे बंटी और बबली 3 में आप हमें चांस दे दीजिए। मैं ये नेशनल टेलीविजन में क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि मेरा इसमें कोई योगदान नहीं, ये सिर्फ मेरे पति परमेश्वर ही करते हैं। नहीं नहीं, मैंने भी तो रोल आपसे मांगा था। मुझसे? हाँ, वो टेक्स्ट है मेरा, जो रानी मैम, इट्स ट्रू। नहीं, पहले तो तुम लोग चाय, नाश्ता, मेंदू वड़ा टाइप मांगते थे, अब तुम लोगों ने रोल मांगने शुरू कर दिए। पप्पू, ऐसे बिल्कुल मत बोलो। सैफ सर, प्लीज इग्नोर हिम। वैसे सर, पता है आपको, मैंने एक्टिंग के सपने ना आपके वजह से देखे थे। झूठ बोल रही हो, बाहर तो तुमने मुझे कहा कि ये सपना तुमने रानी मैम की वजह से देखा है। अरे तो ठीक है, ज्यादा सो गई थी, दो दो सपने देख लिए, तुम्हारा क्या? कुछ भी, मुझे बात करने दो। सैफ सर, आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ योर्स। आई एम अ फैन ऑफ योर्स आल्सो। अरे सर, मुझे इतना अच्छा लगा था, आप वो सीक्रेट गेम्स में थे ना? थे क्या, अब भी वही है? सीरीज रिलीज होगी, इसका ये मतलब थोड़ी कि उधर चंकी पांडे आ जाएंगे। तुम्हारे पति का मतलब था नहीं ना, तो चुप रहा करो तुम। अरे मैं तुमसे एक बात ही कहनी भूल गया, गेट अप। मुझे बात करने दो सैफ सर से। सर, पिछली बार भी आप आए, मैं आपसे मिल नहीं पाई। आई एम सो सॉरी, वो मुझे एक्चुअली कहीं बाहर जाना था। सर, ये बाहर नहीं, ये अंदर गई थी अपने मामा से मिलने के लिए, वो जेल में है ना। एक्चुअली वो थोड़े से मजाकिया टाइप के हैं, अब हंसी मजाक में वो चले गए जेल। हो गया, वाह वाह वाह, जो मजाक कर रहे हैं वो जेल में जा रहे हैं, जो मजाक बिल्कुल नहीं कर रहे वो हमारे शो में आ रही हैं। मैम, मैं बोल रही हूँ, हम दोनों को लेके आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि हम जो एक्टर आपको करोड़ों मांगेंगे वो हम लाखों में कर देंगे। वही चीज, लाखों तो तुम यहाँ पे भी ले रहे हो, यहाँ काम क्यों नहीं करते? इधर क्या मौत पड़ी है तुम लोगों को? देखा, सोती तुम रहती हो, बातें मुझे सुननी पड़ती है तुम्हारी वजह से। मैं तुझे भी कह रहा हूँ। मुझे भी कह रहे हो? एक तो हर दुर्गा पूजा पे आपके साथ फोटो खिंचवा के आ जाती है, फिर सारे प्रोडक्शन वालों पे रोप डालती रहती है। मी एंड रानी आर वेरी गुड फ्रेंड। तुम बड़ा स्टॉक करते हो मेरा इंस्टाग्राम। हाँ, करता हूँ। सुनो, मेरी बात सुनो, मैं रानी मैम ने कहा था तुम दोनों को एक मैसेज देने के लिए, बड़ा स्वीट मैसेज, कि वो तुम दोनों को कभी भी नहीं लेंगे, तुम लोग निकलो। हम भी बंटी और बबली की तरह एकदम कौन कपल है। ये तो है, ये हाँ, ये कौन कपल है, कहीं पे भी जाते हैं लोग बोलते हैं ये कपल कौन है। रानी मैम, वैसे आपको पता है ना आपके और मुझ में सिमिलैरिटी क्या है? क्या है? आप बंगाली, मैं भी बंगाली। तो सीधा सीधा रसगुल्ला मांगो, भूमिका क्यों बना रही हो? तुम दोनों पहले डिसाइड कर लो, तुम लोगों को रोल चाहिए कि रसगुल्ले चाहिए? नहीं नहीं, रसगुल्ले नहीं चाहिए हमें, बस बंटी बबली 3 में ले लो। डन। मैं कुछ कह नहीं सकता, इसका तो फिल्म में कोई नहीं लेगा। क्यों? इसको फोटोग्राफर इसकी फोटो भी खींचता ना, वो कहता सर बाहर हो जाओ, आपका मुंह अंदर आ रहा है। आप बचपन की इसकी फोटो देख लेना, लोग अपने बच्चों को पकड़ के वो फोटो खिंचाते ना। हाँ। इनके मामा ने कहा फोटो खींच रहे हैं, ये वाला इधर रखो, किसी और का बच्चा उठा के खींचा के आइए। मैं बचपन में नहीं हैंडसम था, मतलब अब हो, अब मेरी पर्सनैलिटी में फर्क पड़ गया, और खराब हो गया। ओहो कपूर, चुप हो जाओ यार। सुनो मेरी बात, इधर आओ, ये लो एक एक सेब और चलो। रोल बोल नहीं मिलेगा, या तो बताओ चाहते क्या तुम लोग। मैं और भूरी एक दूसरे को चाहते हैं, तुम बताओ तुम क्या चाहते हो। एक्सक्यूज मी, क्या? नो 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 नो, देखो चंदू, चंदू हम यहाँ चंदू भूरी नहीं, बंटी बबली के तौर से आए हैं, तो प्लीज बी प्रोफेशनल, ओके? फिल्म में काम करना, तमीज से बिहेव करो, वरना मैं सैफ सर की हीरोइन बन जाऊंगी। और तुम्हें तो मैं मना कर देता, तुम नवाब साहब की बात कर रही हो। तुम्हें पता, तुम्हारी 15 मिस कॉल के बाद मैं तुम्हारा फोन उठाता हूँ, और वो भी उठा के कहता हूँ बाद में कॉल करना, अभी मैं बिजी हूँ। सर, इफ यू डोंट माइंड, एक मिनट निकाल के बिजी के स्पेलिंग बताएंगे आप? जब मैंने तुम्हें कहा शर्वरी की स्पेलिंग बता दो। जब मैंने सेक्रेटरी रखना है सर, वो सेक्रेटरी इसको स्पेलिंग बताएगा। सेक्रेटरी की स्पेलिंग हो जाए, मैंने सेक्रेटरी अंतर रखना है। तुम्हारे स्पेलिंग सुख तुम्हारे, मैंने पूरा होने नहीं देना। चलो और छोड़ो, स्पेलिंग के स्पेलिंग सुना दो। तुम दोनों बाहर जाके लड़ो यार, क्यों तुम लोग शो का टाइम वेस्ट कर रहे हो फालतू में? सर, फिल्म की बात तो होती रहेंगी, क्यों ना आप लोग यहाँ पे है, एक डांस हो जाए हम सबके साथ।
दर्शक आप तो सोशल मीडिया पे हो नहीं, तो रानी मैम सैफ सर को मालूम है, शर्वरी और सिद्धांत आपको भी मैं बता दूं कि लोग ना सेलिब्रिटीज की फोटो के नीचे कमेंट्स करते हैं, और हमारी हिंदुस्तान की जनता बड़ी क्रिएटिव है, बड़े फनी फनी कमेंट होते हैं। तो मैं आपको कुछ पढ़ाना चाहता हूँ आप सबकी पिक्चर्स के नीचे, प्लीज। ये हमारा सेगमेंट है पोस्ट का पोस्टमार्टम। ओहो, तो ये सिद्धांत की पिक्चर से शुरुआत करते हैं। रंग बिरंगी बंटी, पर्दा उठा देंगे गर्दा उड़ा देंगे। ये पहले तो मतलब बताओ सिद्धांत, इसका मतलब क्या है, गर्दा उड़ा देंगे क्या? थिएटर्स खुल रहे हैं तो धमाल मचाएंगे और गर्दा उड़ा देंगे। आइए कमेंट्स पढ़ते नीचे। कमेंट क्या है नीचे, कहते पर्दा उठा लेते पर लपेटने की क्या जरूरत थी। जैसे ये बंदा फोटो में है हमारे यहाँ वैसा बर्फ का गोला मिलता है। पता चल रहा है आजकल रणवीर सिंह के साथ काम कर रहे हो, आगे जाके लहंगा पहनाएगा। और दिखाइए। और भी है। एक्टर्स का सही है, एयरपोर्ट लुक सुना था, इनका होली लुक भी होता है। सर जी आप लोगों का कोई टॉयलेट लुक भी होता है? किसी ने बताया नहीं कि सफेद और रंगीन कपड़े अलग अलग धोते हैं। छोड़ दिया ना रंग। सैफ सर देयर इज अ कॉन्सेप्ट कि व्हाइट कपड़े जो होते हैं उनको कलर कपड़ों के साथ नहीं धुलते, उनका रंग चढ़ जाता है। ये होता है उस तरफ घर के उस एरिया में जहाँ आप कहीं नहीं जाते, कभी भी नहीं जाते, वॉशिंग मशीन जा रहती है। नहीं मैं बहुत जा चुका हूँ। अच्छा मैम पॉज कर लो मैम एकदम। नहीं मैंने इसलिए पूछा सैफ सर को, मैं बता दूं कि कलर नहीं, मुझे पता है। नहीं मेरे को लगा कि शायद नहीं पता। मेरे ऐसे कभी व्हाइट टी-शर्ट्स काफी खराब किए मैंने। हाँ कलर कपड़ों के साथ धोके आंखों से आंसू आ रहे वापस। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला कमेंट्स 5,000 रुपए के लिए। शर्वरी की फोटो है, ये मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? आइए फिर। ओके तो ये कमेंट्स नीचे दे, फोटो में तो पियानो की आवाज आएगी नहीं, गलत भी बजाओगी तो हमें क्या पता चलेगा। आप क्यों पियानो बजा रही हैं? एक बार पियानो वाले को हंस के देख लो, वो खुद आके पूरा ऑर्केस्ट्रा बजा के जाएगा। वाह, किसी ने रिप्लाई किया मंजीरे बजाने के लिए मुझसे संपर्क करें। जी और मानना पड़ेगा मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस हो, सोने के साथ साथ पियानो बजाने की भी एक्टिंग कर लेती है। पियानो बजाना आता भी है या खाली पोज ही दे रही हो? देखो बिल्कुल आता है। और आगे हेयरकट एनीवन? अच्छा ये करीना ने अपने अकाउंट पे डाला है फोटो। हाँ एक्चुअली सैफ सर तो नहीं है इंस्टा पे ना, दिखाइए। योर कटिंग तैमूर्स है, हेयरकट एनीवन, सो क्यूट बोथ ऑफ अस। बच्चा है इसलिए हाथ साफ कर रहे हो। उसकी पीआर टीम ने देख लिया तो देखना। हमारे दादाजी की दाढ़ी बहुत बढ़ गई है, हमें तो गालियां देते हैं, आप आके काट दो। इतना पैसा कमाते हो किसी सलून में कटवा लेते। लॉकडाउन चल रहा था यार, इसलिए ऐसा कुछ कर रहे हैं। सबने एक दूसरे के ऐसे बाल काटे हैं लॉकडाउन में। कोविड से बड़ी क्यूट पिक्चर है, बड़ी क्यूट पिक्चर हो गया। कोविड हो गया, कट आवर ओन हेयर ड्यूरिंग लॉकडाउन। बट सी तैमूर्स एक्सप्रेशन, व्हाट इज ही थिंकिंग? ही डजंट वांट अ हेयर कट। और दिखाइए, क्यूट। थोड़ी और वेट कर लेते, सिनेमा तो खुल ही गए हैं, इतनी जल्दी क्या थी काम बदलने की। किसी ने लिखा मैनीक्योर पेडिक्योर भी कर लेते हो। और क्वाइट स्टूपिड ऑल द कमेंट्स आर। ओह हेलो, ओह माय न्यू लुक। चलिए ये तो फिल्म के ट्रेलर में भी है ना। जी जी दिखाइए जरा। नहीं ये नॉर्मली ऐसा पहनते हैं। अच्छा ये फिल्म का है। सर पे इतनी बड़ी टोपी, आंखों पे इतना बड़ा चश्मा, पर आपकी स्माइल के आगे सब एकदम छोटू छोटू सा।
किसी ने रिप्लाई लिखा है, चापलूस कहीं के कहां मुस्कुरा रही है। मैडम इस टोपी से कबूतर भी निकलता है। बहुत कुछ निकलता है। फिल्म आके देखनी पड़ेगी, फिर आपको पता चलेगा। आगे दिखाइए और। वाह, गुलाब ने गुलाब पहना है। शीशी भरी गुलाब की पत्थर से फोड़ दूं, तेरे लिए मैं दोनों बच्चे कुंभ में छोड़ दूं। ओह, लानत है ऐसे बाप पर जो ऐसे कमेंट कर रहा है। कपड़े पर गुलाब, सर पर झाड़, पूरा चलता फिरता गार्डन लग रही है मैडम। थैंक यू। और सिद्धांत ने फोटो डाला, कॉल अस, वी आर जस्ट हैंगिंग अराउंड। ओके, दिखाइए कमेंट। लगता है आप दोनों भी दादर विरार लोकल ट्रेन में अप डाउन करते हो। ये एक्टर लोग प्रोड्यूसर को भी ऐसे ही लटकाते हैं। हैशटैग एक तपा हुआ प्रोड्यूसर। जैसे ही पता चला जिम इंस्ट्रक्टर एक लड़की है, दोनों के पैर जमीन पे नहीं टिके। और दिखाइए, जरूरी सनस्क्रीन फॉर द स्किन, एक्सेसरीज फॉर द सोल। व्हाट ए पिक्चर। कमेंट्स दिखाइए, मेरा दिल कर रहा है कमेंट्स भी ऐसे ही पढूं। Yeah, I think you should. आप ऐसे बैठ के कर सकते हैं, ऐसे बैठ के। चलो हाँ, ये कमेंट्स कमेंट्स दिखाइए जरा। ये देखो मैडम, आपको ये सब करने के लिए कोई बोलता है या अपने मन से करती हो? लकड़ी के फर्श पे तो बैठ सकते हो। हमने जयपुर की गर्मी में ऐसी फोटो खिंचाई थी, हमारी दोनों पूरियां जल गई। It's hot in जयपुर। मैडम आपकी एक पाजेब गिर गई है, फोटो छोड़ो पहले उसे ढूंढो। वाओ, देखो आदमी डिटेलिंग में सोचते हैं। चलिए आगे दिखाइए। अच्छा, इसको एक ही पहनते हैं? Yes, sir. हम भी चाहते हैं हमारी जोरू ऐसी फोटो खिंचवाए। पगली हंस देती है, कहती है पहले फोटोग्राफर को बाहर भेजो। So sweet. That is so cute. So sweet. और हम कह रहे हैं पहले फोटोग्राफर को बाहर भेजिए। So sweet. वो भी बोलता है फोटो कौन खींचेगा फिर। नीचे किसी ने कहा, वाह क्या पुण्य किए होंगे उसने जो आपकी फोटो खींचा। और दिखाइए, करीना फॉल इन लव एस्लीप मेस हैशटैग मेस। हाँ, कमेंट्स दिखाइए जरा। करीना सोच रही है ये आदमी खराटे लेना बंद करे तो मैं भी सोऊं। सैफ उठो, दूसरी जगह चलना पड़ेगा, पुलिस आ रही है। किसी ने लिखा, फेक फोटो, बीवी साथ हो तो चैन की नींद आ ही नहीं सकती। और दिखाइए, मेकअप टाइम। जी सही है मैडम, जितनी देर में आपका मेकअप होगा आप पहुंच जाओगी, 3 घंटे की तो फ्लाइट है। और मैं सबसे जल्दी मेकअप करती हूँ 15 मिनट में। That is true. Actually. Lovely. That is true. इतना मेकअप मत कर लेना कि फिर नीचे उतरकर आधार कार्ड से फोटो मैच ना हो। और दिखाइए, सच में बड़ी प्रोड्यूसर हैं, मेकअप करने के लिए फ्लाइट रखी हुई है। हम तो बाथरूम के मिरर में भी कर लेते हैं। वाह। ये तो क्या ही बात है। सो सिद्धांत, इन्होंने और भी काम पकड़े हुए हैं, आगे एक दो फिल्में और पकड़ी हुई हैं, आज इनको निकलना है। बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सिद्धांत, एंड आई एम ग्रेट फैन ऑफ योर्स ब्रो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, लव यू, थैंक यू, बाय बाबा, बाय, बेस्ट ऑफ लक, बुला लिया, मिस यू, ओए होए, ऑल द बेस्ट बडी। Ha ha ha.
रानी जी यहां पर आए हैं। चलो शुरू हो जाओ भाई। 1 2 1 2 3 4 नमस्कार नमस्कार। सो नाइस टू सी यू। दैट्स अ डिफरेंट थिंग दैट आई कांट सी यू। सो नाइस टू सी यू। नमस्कार देवियों और तिजनों। सज्जनों होता है क्या? नहीं नहीं, तीन जन बैठे हैं ना तो तिजनों ही होगा। वो तो कल बहुत ही बहुत ही अच्छा लगा आप लोग यहाँ पर आए। कैसे हैं आप लोग? ऑप्शन ए बहुत अच्छे हैं। ऑप्शन बी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ऑप्शन सी अमी चांगले आहुत। ऑप्शन डी चार बंगला आहुत। ये नकली बचपन साहब, ये आप केबी से खेल रहे हैं उनके साथ? वो एक्चुअली क्या हो गया कि इतना हम केबीसी खेल चुके हैं कि केबीसी जो है वो हमारे अंदर बस चुका है। हर वक्त ये कल ही की बात है, कल ही हमने एक रिक्शा किया यहाँ पर फिल्म सिटी में आने के लिए। रिक्शा? हाँ, हम नकली है ना, असली बड़ी गाड़ियों में आते हैं हम तो रिक्शा में। हमने रिक्शा किया, जैसे ही रिक्शा वो अंधेरी ब्रिज पे चढ़ा, हम जोर से चीखे, पहला पड़ाव पूरा। और कमाल की बात देखिए, वो रिक्शा वाला भी केबीसी का फैन निकला। अच्छा। कहता है कि आपके यहां तक के 35 रुपए पूरे हो चुके हैं। अब आप क्विट करना चाहेंगे कि आगे बढ़ूं? मैंने उसी वक्त फोनो फ्रेंड किया। अच्छा। और मेरे जो दोस्त हैं डैनी, अच्छा डैनी डेंगू, डैनी डेंगू, हाँ डैनी डेंजोंग सर बताएंगे, हाँ डैनी डेंजोंग पा, हाँ वो तो असली वाले के हैं ना, हमारे दो डेंगू ही होते हैं। तो वो आए और उन्होंने हमें घर पे छोड़ा। खैर, सो सो वंडरफुल टू सी यू गाइस। खैर सैफ जी, जी जी, मेरी एक छोटी सी शिकायत है आपसे। ये ताहिमूर जो है वो हमें कभी फोन नहीं करता। अरे वो तो अभी बहुत छोटा है ना। हाँ तो छोटा फोन कर दे। हम छोटी सी बात कर लेंगे जब हम पेटले से बातें कर सकते हैं। तो हम छोटी सी बात क्यों नहीं कर सकते? वैसे पिडली से याद आया जी, हमारे लिए 2 प्लेट पिडली ऑर्डर करो। पिडली और उसमें वो सांबर मत डलवाना। इडली इडली होता है। हाँ तो फिर सांबर डलवा दो। और एक काम करना, वो उसके अंदर 2 छेद भी करवा देना। वो मेंदू बड़ा होता है सर, मेंदू बड़ा। बड़ा कहाँ, वो छोटा होता है। हम तो 8-8 प्लेट खा जाते हैं। ये तो 2 है। हाँ तो 2 बार 8-8 खाते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है? मुझ में और सैफ जी में एक चीज बड़ी कॉमन है। क्या? ये भी बैंड्रा में रहते हैं, मैं भी बैंड्रा में रहता हूँ। अरे आप तो जूहू में रहते हैं ना? रहते। वो तो असली वाले रहते हैं। हम बैंड्रा में रहते हैं। आपने वो असली लिंक देखा है? जी जी हाँ। सिर्फ देखा ही है, जाइए भी, वो टोल का ज्यादा पैसा नहीं। वो जो सी लिंक है वही जो सीलिंग है,
उसके चौथे पिलर के नीचे मेरी चादर बिछी रहती है, वहीं रहता बचपन साहब जी। पिलर के नीचे क्यों रहते हैं आप? परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, ये मेरे तीन स्तंभ हैं, इसीलिए मैं चौथे स्तंभ के नीचे रहता हूं। खैर सेफ जी, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। हाँ। महत्वपूर्ण समझते हैं आप? महत्व नीचे ई की मात्रा, पूर्ण के ऊपर ऊ की मात्रा, ओए ओए ओए। हाँ, तो वो महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो सॉकेट होता है, सॉकेट दिखाए अपने, सॉकेट जो होता है उसके अंदर वो तीन चार ऐसे छेद होते हैं। कभी अपना हाथ गीला करिए और उस छेद के अंदर डालिए, आपको बढ़िया शॉक लगेगा। तो ये बात डाला था एक बार मैंने। ये बात उनको क्यों बता रहे हैं आप? अरे क्योंकि ये नवाब हैं। हाँ जी, क्या किया? मैं उठा देता हूँ। ये बहुत महंगा मैं रख लू, मैं गरीब आदमी। ये कृष्णा, आंखों से पानी आ रहा है, प्लीज। जी जी, बस यही चाहिए। कंट्रोल, एक सेकंड, सॉरी। नो प्रॉब्लम। तू इतना कैसे ऐसा आ सकता है? सच्ची में? सच्ची में यार, मतलब आउटस्टैंडिंग, रियली आई हैव टू क्लैप फॉर यू। टू गुड, बाप रे, सॉरी। कोई बात नहीं। तो वो जो सॉकेट है, आप अपना हाथ गीला करिए और उस सॉकेट के अंदर डालिए, आपको बढ़िया शॉक लगेगा। मैं क्यों डालूं यार? पर ये बात आप उनको क्यों बता रहे हैं? अरे वो नवाब हैं और नवाबों के लिए शॉक बहुत बड़ी चीज होती है। सर, इनकी बातों को सीरियसली बिल्कुल लेना, ये नकली बच्चन है। एक मिनट, ये नकली क्या होता है? मैं आज भी हर रविवार को अपने घर पे खड़ा होके ऐसे ऐसे हाथ दिखाता हूं फैंस को। नहीं, सीलिंग फैंस को। ऐसे ऐसे करके पोछना पड़ता है ना, हर रविवार को गंदे हो जाते हैं। खैर रानी जी, हमने बहुत काम किया साथ में। ब्लैक ब्लैक में क्या काम किया था, एक बार जोरदार तालियां हो। आज भी मैं वो पल नहीं भूलता हूं जहां पर ये या ऐसे ऐसे किया था आपने। आपको पता है कपिल जी, पिक्चर रिलीज के बाद संजय लीला बंसाली जी एक महीने तक ऐसे ऐसे करते रहे। क्यों? उन्होंने क्यों ऐसा किया? वो पैसे गिनते रहे, पिक्चर हिट हो गई। आप लोगों की भी कई फिल्में देखी है मैंने, मुझे वो बड़ी पसंद आई थी, वो तुम हम तुम थी, वो हम तो थे ही नहीं ना उसमें, तुम थे। शर्वरी, लॉन्ग टाइम है। पहले कब मिले थे? लॉन्ग टाइम पहले कभी नहीं मिले। मेरा लॉन्ग टाइम है, लॉन्ग खाने का टाइम। लॉन्ग टाइम। और शर्वरी जी बताइए, घर पे सब ठीक है? सब ठीक सर। आपके शम्मी शैडी कैसे हैं? शम्मी शैडी? शम्मी शैडी कौन है? जब इनके मम्मी डैडी फरवरी का शर्वरी कर सकते हैं तो हम मम्मी डैडी का शम्मी शैडी क्यों नहीं कर सकते? आप अभी नहीं है लाइन में जी, मैं एक टिप देना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, बताइए। डटे रहना पड़ता है हमारी लाइन में, डटे रहना। ओके। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और जो रुमाल से कबूतर निकाले उसे जादूगर कहते हैं। जादूगर कहां से आ गया? जादूगर नहीं, ये सोचो कि रुमाल के अंदर कबूतर कहां से आ गया। सेठ जी, कैसा लगा आपको हमारा हास्य प्रमोद? हास्य विनोद होता था? नहीं, विनोद दिवाली की छुट्टियों पे बाहर गया होगा। हमने फिलहाल प्रमोद को रखा हुआ है। खैर
मेरे जाने का टाइम हो गया है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, अगर आप मुझे रोक रही हैं तो मैं एक चीज आपके लिए करना चाहूंगा। रानी जी, मैं इतना बड़ा फैन हूं आपका। आमिर ने आती क्या खंडाला में आपके लिए जो है माचिस आज मैं करूंगा। वो तो सही देता तो नहीं पर तू भली तुझे होती है जब आप जतन करते आते आते हैं मुझे तो भली तुझे होती है मुझे लगता है देता तो उसे जाने का समय जो है हो चुका है। इट वॉज नाइस सीइंग यू, बहुत अच्छा लगा, बड़ा हम लोगों ने साथ में बहुत काम किया है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मिस्टर सैफ अली खान, रानी मुखर्जी और शर्वरी के लिए। आइए सर, आइए। थैंक यू सो मच सैफ सर, थैंक यू सो मच रानी मैम, थैंक यू सो मच शर्वरी। आप आते रहा करो, इतना गैप मत डाला करो आप। एब्सोल्युटली, अभी जल्द आऊंगी प्लीज। बड़ा मजा आता है जब भी आप आती हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू कपिल। और दोस्तों, त्योहारों का मौसम है, इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है, बाजारों में भीड़ करने से बचें, मास्क लगा के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। स्वस्थ रहें, खुश रहें। गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।